असलकुम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉवल शटर आईलैंड के थीम्स नावल शटर आईलैंड जो कि पहले भी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ इसकी प्लॉट समरी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी नावल को लिखा है डेनिस लहन ने और इस नावल के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी तकरीबन टू में रिलीज़ हुई थी और ये नावल एक बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स नावल है साइकोलॉजिकल थ्रिलर हम इसको कह सकते हैं इसका यौनरा और थीम्स की अगर बात की जाए तो थीम्स होते हैं किसी भी नावल के अंदर जो मेन टॉपिक्स डिस्कस होते हैं उनको हम कहते हैं उस नावल के थीम्स तो चलें देखते हैं कि इस नावल में ऐसे कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो कवर किए गए हैं कौन से एरियाज़ हैं जिन पर बात की गई है और कौन से हैं इसके मेन थीम्स तो अगर थीम्स की बात की जाए सबसे पहला है मेंटल हेल्थ या हम कह सकते हैं मेंटल इलनेस क्योंकि इस नावल के अंदर जो मेंटल हेल्थ थी वो सब लोगों की बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ख़राब थी uh, क्योंकि ऑब्वियसली जो इस नावल की सेटिंग हमें दिखाई गई है वो शटर आइलैंड की है उस आईलैंड के ऊपर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है एशक्लिफ़ हॉस्पिटल और वह हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल के अंदर ऑब्वियसली इल पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है और वो पेशेंट्स और वो पेशेंट्स कौन हैं वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते थे यानी कि जो उनका बैकग्राउंड था वो किस वजह से मेंटली इल थे उसके पीछे कुछ क्रिमिनोलॉजी हम डिस्कस कर सकते हैं उनका कुछ बैकग्राउंड ऐसा था किसी ने किसी को मारा हुआ था किसी को कोई डिप्रेशन था तो उस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी वीक थी तो ये हो गया इस नावल का मेन थीम क्योंकि ऑब्वियसली उसकी सेटिंग उसकी मेंटल uh, हेल्थ को ही दिखाती है कि मेंटल हॉस्पिटल उसकी सेटिंग है अगर पेशेंट्स की बात की जाए तो पेशेंट्स uh, का जैसे हमने प्लॉट समरी में भी डिस्कस किया था कि कुछ पेशेंट्स थे uh, जिन्होंने अपने फैमिली वालों को मर्डर किया था और बड़े ही बुरे और भयानक तरीके से मर्डर किया था और कुछ ऐसे थे और अगर हम मेन हीरो की बात करें जो कि हीरो कौन था जिसका हम टेडी कहते हैं और हमें एंड में पता लगता है कि वही एंड्रयू लेडिस है और शुरू में हम उसको एडवर्ड डैनियल्स के नाम से जान रहे होते हैं तो उसने भी अपनी वाइफ़ का मर्डर किया होता है और उसकी वाइफ ने आगे अपने बच्चों का मर्डर किया होता है तो मतलब यहाँ हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो इसी मर्डर वाली सिचुएशन में घिरे हुए हैं और इसी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अग, अग, एक और चीज़ यहाँ पर हम जो देख सकते हैं वो ये है कि जो आइलैंड था जो शटर आइलैंड था जो इस नावल की सेटिंग है आइलैंड वो आइलैंड का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था जैसे मेज़ लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कहीं केव्स हैं कहीं समंदर है ओबियसली आइलैंड एक समंदर से घिरा होता है तो कहीं सी शोर है कहीं केव्स हैं हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं जैसे घूमा हुआ टाइप सा है और मेज़ लाइक -like पूरा है जैसे कोई मेज़ हो जिसको सॉल्व करना हो तो इस स्ट्रक्चर ये जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाता है या हम कह सकते हैं कि पोर्ट्रे करता है कि ह्यूमन माइंड कितना कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर भी कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और माइंड से ज़्यादा हम वर्ड साइकी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इंसान की जो साइकी है जो सोचने का अंदाज़ है जो सोच है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है तो ये चीज़ भी इस तरीके से शो की जा सकती है तो ये हमारी मेंटल हेल्थ का थीम था जो कि फर्स्ट था अगले थीम की तरफ जब हम जाते हैं तो वो है ट्रूथ एंड डिसेप्शन अब ट्रूथ्स और डिसेप्शन इस नावल के अंदर काफ़ी ही मेन थीम है और इसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो टाइटल है नावल का शटर आईलैंड अगर हम इसके लेटर्स को रीअरेंज करें तो बनेगा ट्रूथ्स एंड लाइज तो यानी ये नावल का जो नाम है शटर आईलैंड ये ट्रूथ्स एंड लाइज का एनाग्राम है एनाग्राम की बात हमने पहले भी की थी प्लॉट समरी के अंदर मैं दोबारा रिकॉल कर देती हूँ कि एनाग्राम क्या होता है एनाग्राम होता है कि अगर एक वर्ड है उसके लेटर्स को रीअरेंज किया जाए तो दूसरा वर्ड बन जाए उसमें हम कोई लेटर्स की आ, कमी नहीं करते और ना ही कोई लेटर्स का इजाफ़ा करते हैं बल्कि हम उन्हीं लेटर्स को री करते हैं दूसरा वर्ड बन जाता है इस नावल के अंदर काफ़ी एनाग्राम्स इस्तेमाल हुए हैं जैसे कि जो हीरो है एडवर्ड डैनियल्स जो कि हमें पता लगता है कि एंड में वो एंड्री लेडिस है तो उसका नाम एडवर्ड डैनियल्स एंड्री लेडिस का एनाग्राम है क्योंकि हम इनका जब एडवर्ड डैनियल्स के तमाम लेटर्स को आप एक जगह लिख के देख सकते हैं उनको री करेंगे तो एंड्री लेडिस बनेगा और सिमिलर जो केस है वही डोलरस के नाम के साथ भी है क्योंकि रेचल सुलेंडो का ये एनाग्राम है तो हम इसके लेटर्स को रीअरेंज करके दूसरा नाम बना सकते हैं तो सिमिलरली टाइटल के साथ भी यही सिचुएशन है कि उस वो भी एनाग्राम है ट्रूथ्स एंड लाइज का तो मेन चीज़ तो हमें यह पता लग जाती है कि इस नावल में सच्चाई और झूठ कितना अहम किरदार अदा करते हैं कि वो टाइटल का ही एनाग्राम है अब क्या अहम किरदार अदा करते हैं कि ऑब्वियसली uh, जो हीरो है एडवर्ड डैनियल्स डैनियल व्यू एस मार्शल के रूप में आता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे क्या ढूंढने आया हूँ रेचल सुलेंडो जो कि एक पेशेंट थी जो कि अब मिसिंग है उसको मैं ढूंढने आया हूँ कि वो कहाँ है और वो एक केस समझता है कि मेरे पास हर मैंने इस केस को सॉल्व करना तो ऑब्वियसली वो किसकी तलाश में है सच्चाई की तलाश में अब उस सच्चाई की तलाश में कहाँ कहाँ उसको धोखे का सामना करना पड़ा है कहाँ कहाँ उसको झूठ का सामना करना पड़ा है क्योंकि डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि so है। रेचुअल सिलेंडो मिल गई है वो कहा जाता है उसको और उसका जो साथी होता है चक उन दोनों को कहा जाता है कि रेचुअल सिलेंडर तो मिल गई है जो पेशेंट मिसिंग थी वो मिल गई है अब आप लोग जा सकते हैं तो वो जब देखते हैं कि वो मिल गई है वो समझते हैं कि ओके ठीक है बट जब वो केव में जाता है अकेला टेडी तो वहाँ पे उसको दिखता है कि रेचल सिलेंडर तो वहाँ वो कहती है कि असली तो मैं हूँ तो मुझे तो मैं यहाँ पे डॉक्टर थी मुझे इन लोगों ने यहाँ पे मैं छुप के आई हूँ क्यों क्योंकि मैं जान गई थी कि ये लोग क्या गलत काम कर रहे हैं और मैं उसके अगेंस्ट थी तो मुझे ये लोग पागल करना चाहते थे ऐसी दवाइयाँ देखे ऐसे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स देखे कि जिससे मैं भी पागल हो जाऊँ तो इससे हमें क्या दिखता है कि वो सच्चाई उससे छुपा रहे थे और डॉक्टर जो कि सच्चाई जान गई थी जो रेशल सिलेंडो थी उसको धोखा दिया जा रहा था कि ऑब्वियसली हम ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करें उल्टा ही उनको रहे हैं मज़ीद तो डॉक्टर के साथ भी जो जो सच्चाई जान जाए उसके साथ भी वो फिर ऐसा ही सलूक करेंगे तो ये चीज़ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्या धोखा दिया जा रहा था इस तरीके का कि पेशेंट्स को गलत किस्म के ओवरडोज की जा रही थी गलत किस्म की मेडिकेशन दी जा रही थी अब ये चीज़ टैडी को भी किसी ने जैसे हम कहते हैं मुखबरी की थी टेडी को कि इस तरह ए, उसको एक यूएस सेनेटर ने बताया था यूएस सेनेटर को पहले जॉर्ज नॉइस ने बताया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है फिर यूएस सेनेटर ने टेडी को बताया और टेडी ने कहा कि मैं एशक्लिफ़ हॉस्पिटल को मैं एक्सपोज करूँगा लेकिन वो एक्सपोज नहीं कर पाया क्यों क्योंकि एशक्लिफ़ हॉस्पिटल ने उसके साथ भी ऐसा ही कुछ करने का सोच लिया बकॉल टेडी के लेकिन हमें एंड में पता लगता है कि भाई टेडी तो टेडी था ही नहीं वो तो लेडिस था और बाकी सारी सिचुएशन वहीं पर ख़राब हो जाती है एक और चीज़ जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो ये है कि ट्रूथ जो है वो डिटरमिन किया जाता है उनकी तरफ से जो पोजीशन में होते हैं क्योंकि हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स हैं जो वो कहेंगे वही सच माना जाएगा फिर चाहे वो अपने गलत को सच कह के बयान करें या सच को झूठ लेकिन जो वो कहते हैं वही माना जाता है इससे भी ये देखते हैं कि जिस जिसके पास अथॉरिटी होती है जिसके पास पोजीशन होती है उसकी बात को सच माना जाता है बाकी चाहे वो दूसरे लोग बेचारे सच बोल रहे हो लेकिन उनकी बात को सच नहीं माना जाता झूठ माना जाता है और इस केस में नावल के केस में देखें तो उनको पागल माना जा रहा है और डॉक्टर्स जिसको बोल रहे हैं कि ये ठीक है वो ठीक है और जिसको वो कहेंगे कि ये पागल है तो उसको पागल ही समझा जा रहा है नेक्स्ट थी इनकी तरफ मूव करते हैं वो है सौरों का सौरों का काफ़ी हम देखते हैं इस नावल के अंदर मेन एक एलिमेंट है हर चीज के पीछे सोरो क्यों क्योंकि हम देखते हैं कि टेडी वो सैड uh, है वो डिप्रेशन uh, में है उसके पास ये दुख है क्या कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और वाइफ की डेथ भी हुई थी उससे पहले उसके बच्चों की डेथ हुई थी तो मतलब पहला दुख कि उसके बच्चे डूब के मर गए दूसरा ये क्या कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई और वाइफ की डेथ कैसे हुई उसने अपने हाथों से अपनी वाइफ को मार दिया तो ये और ज़्यादा बड़ा दुख उसके लिए हो गया फिर रेचल सिलेंडो Uh, का अगर हम केस देखें अब यहाँ पे रेचल चिलंडो को हम डोलरस भी कह सकते हैं रेचल भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही हैं लेकिन अगर सेपरेटली देखा जाए तो नावल में शुरू में रेचल की बात की जा रही थी तो रेचल की ये दुख था कि उसका हस्बैंड मर गया उसके बच्चे मर गए उसके बच्चों को उसने अपने हाथों से मार दिया ये रेचल का दुख था लेकिन अगर डोलरस की बात की जाए तो उसका क्या दुख था कि वो उसने अपनी मेंटल इलनेस uh, की वजह से अपने बच्चों को अपने हाथों से मार दिया फिर उससे जब ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ उसने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ तुम मुझे मार दो क्योंकि ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैंने अपने बच्चों को अपने हाथों से मार दिया तो उसका हस्बैंड जो कि उस टाइम वैसे आ, हम कह तो नहीं सकते कि ऐसी सिचुएशन में उसको कैसा रिएक्ट करना चाहिए था बट ऐसा तो रिएक्ट एटलीस्ट नहीं करना चाहिए था कि अपनी वाइफ को मार देता लेकिन उसने यही किया क्योंकि उसको अपने इन इमोशंस को सही तरह से चैनलाइज करना नहीं आ रहा था उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने इन इमोशन से कैसे डील करूं कि मेरी वाइफ ने मेरे बच्चों को मार दिया है तो उसने क्या किया अपनी वाइफ की बात मान ली उसकी वाइफ ने कहा था कि प्लीज मुझे मार दो उसने वही बात मान ली नावल के एंड में हम देखते हैं कि एक प्रोसीजर की बात की जाती है जिसको बोलते हैं लेबाटमी ये ऐसा प्रोसीजर है कि जिसके अंदर जो लोग अपनी गलत और मुश्किल किस्म की मेमरीज़ को हैंडल नहीं कर पाते उनके साथ जीना होता है उनको बट जी नहीं पा रहे होते तो उनके लिए क्या कहा गया है कि एक प्रोसीजर है लेबाटमी जिसके थ्रू उनकी मेमोरी को इरेज़ किया जा सकता है उनकी मेमोरी को क्लियर किया जा सकता है ऐसी Uh, मुश्किल और ऐसी uh, टेरिबल जो उनके पास मेमरीज़ हैं उनको इरेज करने के लिए ये प्रोसीजर है तो अब नावल के एंड में हम देखते हैं कि ये प्रोसीजर चूज़ किया जाता है ताकि टेडी की जितनी uh, मुश्किल मेमरीज़ हैं जो उसके टेरिबल मेमरीज़ हैं उनको इरेज कर दिया जाए और उसकी लाइफ को आसान बनाया जाए तो ये प्रोसीजर चूज़ किया जाता है तो इससे हम ये देखते हैं कि सौर जो है उससे इस्केप करना बहुत मुश्किल है सौरों से इसकेप नहीं किया जा रहा टेडी नहीं कर पा रहा उससे स्केप तो वो ये प्रोसीजर चूज़ करता है कि चलो मैं अपनी मेमोरी को ही इरेज कर देता हूँ क्योंकि उस सौरों से बाहर नहीं निकला जा रहा तो यहाँ पे हम उस सौरों की इंटेंसिटी देख सकते हैं उस दुख की उस गम की इंटेंसिटी देख सकते हैं जो इस नावल के अंदर है नेक्स्ट सीम है मेस्क्यटी का मेस्क्यनिटी हम जानते हैं कि मेस्क्यूलिन अगर हम अपनी सोसाइटी के लिहाज से देखें तो मेस्क्यन यानी मेल को स्ट्रेंथ uh, पावर इनके साथ सिंबलाइज किया जाता है इनके साथ रिलेट किया जाता है जबकि जो फेमिनिन हैं यानी फ़ीमेल्स uh, हैं उनको किससे रिलेट uh, किया जाता है डेलिकेसी नाजुकी एंड हम कह सकते हैं कि वॉम्थ लव इनके साथ किया जाता है क्योंकि फ़ीमेल एक अफेक्शनेट जेंडर है हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा काम कूल और इस तरीके की टेंडर इन चीज़ों से हम उसको रिलेट कर सकते हैं लेकिन मेल की अगर बात की जाए ये नहीं मैं कह रही कि मेल्स में बिल्कुल कोई अफेक्शन या लव का एलिमेंट है ही नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं कह रही बट फीमेल के साथ ये ज़्यादा एसोसिएटेड है और मेल्स की जहाँ तक बात की जाए उनके साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड है स्ट्रेंथ पावर एंड पोजिशन ठीक है अब ये चीज़ मैं बिल्कुल इस तरह से नहीं कहूँगी कि मैं कोई एंटी फेमिनिस्ट बात कर रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है बट एक ये एसोसिएशन हैं जो सोसाइटी में बनाई गई हैं तो उससे रिलेटेड हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मेस्किलिटी इसको एसोसिएट जिन चीज़ों के साथ किया गया है तो ये नोवेल के अंदर काफ़ी मेन थीम के तौर पे एक्ट करती हैं कैसे करती हैं कि टेडी जो है वो अपनी जो भी रियलिटी है क्या कि उसकी वाइफ को उसने खुद मारा उसकी वाइफ ने बच्चों को मारा उस सारी रियलिटी को वो डिनाई कर रहा है क्यों डिनई कर रहा है क्योंकि ये जो रियलिटी है जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो ये उसको वीक फील करवाएगी और वो अपनी मेस्कुलन नेचर में ये वीकनेस का एलिमेंट नहीं लाना चाहता तो वो इस चीज़ को ही डिनई कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था मैं तो एक यूएस मार्शल हूँ और मेरी बीवी को तो किसी और एंड्री लेडर्स ने आके मार दिया मैंने तो मारा ही नहीं मतलब उसने ये चीज़ को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया क्यों क्योंकि अगर वो बोलेगा हाँ मैंने मारा है तो वो एक मर्डर के लाएगा वो मर्डर के लाएगा तो उसके अंदर एक वीकर एलिमेंट आ जाएगा उसकी वीकर साइड आ जाएगी जो कि वो लाना ही नहीं चाहता तो वो अपने लिए क्या चूज़ करता है इस रियलिटी को वो साइड पे करता है वो अपने आप को एक यूएस मार्शल कहता है क्यों क्योंकि यूएस मार्शल एक आ, हम कह सकते हैं कि पोजीशन होती है एक पावरफुल पोजीशन उसको मिलती है इसमें उसको अपनी मेस्कुलनिटी को अच्छे से यूज़ कर सकता है वो चैनलाइज़ कर सकता है तो वो ख़ुद को यूएस मार्शल कहना पसंद करता है ना कि एक मर्डर वो भी अपनी वाइफ़ का मर्डर है फिर हम ये देखते हैं कि उसकी मेस्कुलिन नेचर कैसे थोड़ी हार्श टाइप की हम देख सकते हैं वही बात जो मैंने अभी पहले भी कही थी कि हम ये बोल नहीं सकते कि एक वाइफ मर्डर कर दे हमारे बच्चों को तो हम कैसे रिएक्ट करें बट एटलीस्ट ऐसे रिएक्ट ना करता कि अपनी वाइफ का मर्डर करता लेकिन उसने किया तो यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि उसकी मैस्किलिन नेचर कितनी हार्श थी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ के नाम पे हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ के नाम पर मेस्कुलर नेचर में कितनी हार्शनेस थी कि उसने अपनी ही वाइफ का मर्डर कर दिया और एक और चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी पर्सनालिटी uh, यानी कि टेडी की पर्सनालिटी के अंदर मेस्कुलिन ऑब्वियसली वो था ही मेल तो मेस्कुलिन नेचर तो होनी थी बट उसके अंदर कुछ मेस्कुलिन ट्रेट्स हैं जो मिसिंग हैं वो क्या ट्रेट्स हैं कि uh, वो जो उसकी टाई है जो वो पहने रखता है वो एक पिंक कलर की फ्लोरल टाई है और हम जानते हैं कि जो पिंक कलर है उसको फेमिनिन नेचर के साथ और औरतों के साथ कितना ज़्यादा रिलेट किया जाता है तो जब वो पिंक टाई पहनता है तो ये चीज़ समझी जाती है कि भाई ये तो इसकी फेमिनिन साइड है बल्कि ना कि मेस्क्यन साइड के उसने पिंक फ्लोरल टाइप बाकायदा फूलों वाली ऐसी क्यों पहनी और दूसरा हम देखते हैं कि वो ड्रिंक भी नहीं करता तो ये चीज़ जो है ये ज़्यादा औरतों के साथ सिम्बलाइज की जाती होगी वेस्ट में ऑब्वियसली हमारी साइड पर तो ये चीज़ कल्चरल है ही नहीं तो वहाँ पे तो है तो अब तो ऑब्वियसली हर चीज़ आम है क्योंकि मॉडर्न uh, टाइम्स आ गए हैं बट उस टाइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो ड्रिंक भी नहीं करता था और साथ ही उसको फ्लोरल टाई भी पहनी हुई थी तो हम ये कह सकते हैं कि ये फेमिनिन साइड है टेडी uh, डेनियस और यहाँ पे हम मूव करते हैं अपने लास्ट थीम की तरफ जो कि है वायलेंस का थीम और ये हमारे पिछले थीम जो कि अभी डिस्कस किया मेस्ट्रोनिटी का उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और सौ वाले थीम के साथ भी ऑब्वियसली रिलेटेड है तो वायलेंस का जो थीम है वो क्या है कि ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया इस नावल के अंदर वायलेंस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है क्यों क्योंकि नावल का जो हीरो है टेडी जो कि एडवर्ड डैनियल्स है उसने ही अपनी वाइफ़ को मर्डर किया था और अपनी वाइफ के कहने भी उसको मर्डर किया था दूसरा ये कि उसकी वाइफ ने उससे पहले अपने बच्चों को मर्डर किया था डबो के तो ये दोनों चीज़ें ऑब्वियसली वायलेंस में आती हैं कि अपने ही फैमिली मेम्बर्स को किल किया जा रहा है मर्डर किया जा रहा है दूसरे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से उसके अलावा जो सारे पेशेंट्स थे मेंटल uh, हॉस्पिटल के अंदर उनके भी पीछे कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड मौजूद था जो कि हमने काफ़ी ज़्यादा पहले भी डिस्कस किया था प्लॉट समरी के अंदर लेकिन यहाँ एक दो का मैं दोबारा से जिक्र कर सकती हूँ जैसे कि एक पेशेंट थी जिसका नाम ब्रिजेट था जिसने अपने हस्बैंड को मारा था और किसके साथ एक्स के साथ यानी कि एक कुल्हाड़ा जो होता है उसके साथ उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया था और एक और पेशेंट था जिसका नाम पीटर ब्रीन था और उसने अपनी फादर की नर्स को मारा था वो भी ग्लास बॉटल ग्लास बॉटल उसके सर में मारी थी और इस तरह से उसका मर्डर किया था तो हम देख सकते हैं कि पेशेंट्स के जो बैकग्राउंडस हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखते हैं तो ये चीज़ जो हम देखते हैं ये भी एक वायलेंस का एलिमेंट दिखाता है इसके अलावा एक सीन नावल की एंडिंग की तरफ जो है जिसमें टेडी जो है वो आइलैंड से भागना चाहता है वो सोचता है कि इस आइलैंड पे कुछ ठीक नहीं है हॉस्पिटल में कुछ ठीक नहीं है तो मुझे इस आइलैंड से भाग जाना चाहिए इसकेप करना चाहिए तो भागने के लिए वो क्या देखता है कि जो कार खड़ी होती है उसके अंदर वो आ, उसको किसी तरह ब्लास्ट करता है कार को और जब कार ब्लास्ट हो जाती है तो उसके बाद वो सारे लोग उस तरफ उनकी अटेंशन हो जाती है कार की तरफ तो वो भागता है और गार्ड्स को मारता है गार्ड्स को मार के उनसे गन छीनता है तो ये सीन भी सारा एक तरह का वायलेंस में ही आता है लेकिन ऑब्वियसली एक कंपैरेटिवली लेसर डिग्री ऑफ वायलेंस हमें यहाँ देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू वो वाले सीन्स जिनमें के मर्डर सीन्स हैं ऑब्वियसली लेकिन uh, जाहिर सी बात है जो पेशेंट्स के क्रिमिनल बैकग्राउंड हैं वो सारे नावल के अंदर फुली uh, एक्सप्लेन नहीं किए जाते क्योंकि वो बैकग्राउंड होता है तो ये वाला सीन फुली एक्सप्लेन है क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा था नावल के अंदर ये वाला वायलेंस का सीन इसके अलावा हम देखते हैं कि वो ख़ुद को क्या कहता है जो टेडी होता है वो खुद को कहता है यूएस मार्शल और वो कहता है कि इससे पहले मैं वर्ल्ड वॉर से आ चुका हूँ क्योंकि मैं यूएस मार्शल हूँ तो जो वर्ल्ड वॉर का इम्पेक्ट है पूरी दुनिया पे और स्पेशली उन कंट्रीज़ पे जिनके सोल्जर्स उस वर्ल्ड वॉर में गए थे वो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि वर्ल्ड वॉर का जो वायलेंस का एलिमेंट था ना वो बहुत ज़्यादा शदीद था क्योंकि उसके अंदर जितने सोल्जर्स गए ना सिर्फ उन सोल्जर्स कुछ तो सोल्जर्स ऑब्वियसली वहीं पर मारे गए वर्ल्ड वॉर के अंदर लेकिन जो बच के वापस भी आ गए कुछ ऐसे थे जिनकी बॉडीज़ में इतने आ, हम कह सकते हैं नुक्स हो चुके थे कि बाद में इतने परफेक्ट लाइफ नहीं जी सकते थे और जिनकी बॉडीज में कोई ऐसा नुकसान उनको बॉडी फिजिकल नुकसान नहीं भी उठाना पड़ा उनको मेंटल नुकसान काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ा क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर थ्रू आउट इतनी वायलेंस इतनी खून ख़राबा ये चीज़ें देख के इंसानी जो जहन है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता अपनी इतनी ईजीली तो उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हुई उनकी फैमिली की लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हुई वर्ल्ड वॉर के बाद और देखने वालों की भी और उसमें शामिल होने वाले सबकी की लाइफ जो है वो इम्पैक्ट हुई तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर के जो वायलेंस का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा शदीद है और इस तरह की वॉर्स काफ़ी जो है वो साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट्स भी लोगों के ऊपर लाती हैं साइकोलॉजिकल इलनेसेस फैलती हैं इस तरीके से पीटीएसडी काफ़ी ज़्यादा होता है पोस्ट पोस्टमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं कि कोई भी ट्रामा के बाद स्ट्रेस और डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वॉर के बाद ही फैला था तो ये चीज़ यहाँ पर हम हमारी सारी थीम्स uh, होती हैं कंप्लीट आई होप सब थीम्स आप लोगों को क्लियर होंगी और नावल को समझने में मज़ीद आप लोगों की हेल्प करेंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो Uh, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहें अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफ़िज।